पास एक्सेल में कुछ डाटा है और इस डाटा में मैं नाम के साथ इनकी पिक्चर्स आ रही हूँ, तो वो किस तरीके से ऐड करेंगे? मैं इसमें कोई मसला नहीं है, मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम नेम को सिलेक्ट करेंगे, नेम सिलेक्ट करने के बाद हम रिव्यू में जाएंगे। रिव्यू में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास न्यू कमेंट की ऑप्शन आएगी। okay, इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास इसको हमने पहले रिमूव कर देना है, फिर हमने इस पर राइट क्लिक करना है। इसके बाद हमारे पास आएगा फॉर्मेट कमेंट। ये करने के बाद हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, इसमें हमने कलर एंड लाइंस में जाना है और इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास आएगा फिल इफेक्ट खोलेंगे तो हमारे पास यहाँ पे फोर्थ नंबर पे पिक्चर्स की ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट पिक्चर है। तो यहाँ पे हमने जाके कोई भी पिक्चर सिलेक्ट करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे लगाती हूँ कोई लड़के की पिक्चर लगा लेती है, लड़की है, मैं यहाँ से जाके इंसर्ट करूँगी तो मेरे पास पिक्चर की ऑप्शन आएगी। फिर यहाँ से जब मैं ओके करूँगी, जैसे मैंने ओके किया तो पिक्चर लग गई है। फिर अब हम यहाँ से इसको यानी कि ड्रैग करके जैसे भी हमने एडजस्ट करना है तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। फिर हम तूबा के नेम पर क्लिक करके रखेंगे तो हमें उसकी पिक्चर शो होती रहेगी, जैसे ही हम कर्सर घुमाएंगे तो हमारी पिक्चर गायब हो जाएगी। गुड, वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त।